दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसके एक सर पर दो मुंह थे। इस व्यक्ति का नाम एडवर्ड मोडेक था, जो कि इंग्लैंड में पैदा हुआ था। इसका सिर एक था, पर इसके चेहरे दो थे। ये दूसरा चेहरा काफ़ी डरावना दिखता था और ये सिर्फ हंस सकता था, रो सकता था या चीख सकता था। इसकी वजह से एडवर्ड को बहुत सी दिक्कत भी होती थी। लोग एडवर्ड को दो सिर वाला शैतान कहते थे। जब वह सोता था तो उसे काफ़ी दिक्कत होती थी, क्योंकि जब वह सोने की ट्राई करता था तो दूसरे चेहरे को छींक आती थी, जिससे वह जग जाता था। जब भी एडवर्ड दुखी होता था तो उसका शैतान चेहरा हंसता था और रात में दूसरा चेहरा हमेशा फुसफुसाता रहता था, जिससे एडवर्ड कभी सही से सो भी नहीं पाया। बाद में एडवर्ड दूसरे चेहरे को निकलवाने के लिए जब डॉक्टर से बात की तो डॉक्टर ने कहा कि ये पॉसिबल नहीं है। बाद में परेशान होकर एडवर्ड ने 23 साल की उम्र में सुसाइड कर ली और एक सुसाइड नोट छोड़ गए, जिसमें लिखा था कि मैंने मरने के बाद मुझे दफनाने से पहले इस शैतान चेहरे को मेरे शरीर से अलग करना और उसके बाद मुझे दफनाना।